पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और इसके अलावा दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टर्म दिया हुआ है कैरेक्टर और ट्रेट्स। कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस होते हैं? तो कैरेक्टर्स वो कोई भी फीचर जो हेरिटेबल होता है, ठीक है, वो कोई भी फीचर जो हेरिटेबल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। और ट्रेट क्या है? कैरेक्टर का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मेंडल ने पी प्लांट लिया था और उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और उसके हर कैरेक्टर के 1 पेयर ट्रेट्स लिए थे। वो कंट्रास्टिंग थे, एक डोमिनेंट होता था और एक क्या होता था? रेसेसिव। जैसे जो पी प्लांट उन्होंने लिया था, पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम आप सभी को पता होगा, पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। तो पहला फीचर जो था स्टेम हाइट, यानी कि जो पी प्लांट उसकी हाइट टॉल हो सकती है, ड्रॉफ हो सकती है। इसी तरह फ्लावर की पोजीशन क्या होगी? एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है। फ्लावर कलर वायलेट या वाइट होगा। सीड शेप राउंड और रिंकल हो सकता है। सीड कलर येलो और ग्रीन हो सकता है। पॉट का जो शेप होता है वो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। पॉट का जो कलर होता है वो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। पॉट मतलब जैसे मटर जो है, उस ये जो होल स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होता है? सीड लगे होते हैं और ये ऊपर कवर होता है। दिस इज़ द कवर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। विथ सीड, होल स्ट्रक्चर को पॉड बोला जाता है। तो पॉड शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है और पॉड कलर क्या हो सकता है? ग्रीन या येलो हो सकता है। इसके लिए हम लोग एलील भी ऐसे दिखा देते हैं। जैसे स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट के लिए एलील क्या हो सकता है? कैपिटल टी टॉल के लिए, और ड्रॉफ के लिए क्या हो सकता है? इसी का करस्पॉन्डिंग होगा स्मॉल टी, राइट। तो कैरेक्टर हो गया और ये ट्रेट हो गया। जैसे ह्यूमन में अगर हमको देखना हो कि कैरेक्टर और ट्रेट में डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आई कलर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा। और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो होगा ट्रेट होगा। तो आई कलर क्या हो सकता है? ब्लैक भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ऐसा क्रॉस जो कि एक पेयर ट्रेट के बीच में कराया जाता है, मतलब दो अपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ जो ट्रेट्स होंगे ये क्या होंगे? कंट्रास्टिंग होंगे। दीज आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ प्लांट के बीच में क्रॉस अगर हम लोग कराएं, तो यहाँ पर आप देखिए टॉल को और ड्रॉफ को क्रॉस कराया जा रहा है। टॉल वाले गैमेट को यहाँ पे शो कर दिया जा रहा है और ड्रॉफ वाले गैमेट्स को यहाँ पे। एक को हम लोग मेल गैमेट्स मान लेते हैं, दूसरे को फीमेल गैमेट। तो क्रॉस कराने पर क्या हो रहा है कि सारे ही प्लांट जो हैं वो टॉल बन रहे हैं। लेकिन ये सारे प्लांट टॉल किस तरह के हैं? दे आर द हाइब्रिड टॉल। ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। तो जीनोटिपिक और फीनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या आ जाएगा? 4:0 का रेशियो आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे ही आप मेंडल का पहला लॉ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। और इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ? क्रॉस कंडक्ट बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग मतलब यहाँ अपोजिट ट्रेट्स की बात हो रही है, राइट। अब इसके आगे आ जाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे 2 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है। मतलब टोटल यहाँ पे ट्रेट्स कितने हो जा रहे हैं? 4 ट्रेट्स हो जा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे आपको 4 ट्रेट्स मिल जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉस बिटवीन प्योर राउंड सीड शेप और येलो कलर। तो एक तो ये हो गया
सीट का शेप क्या है, राउंड है, और सीट का कलर कैसा है, येलो है। अब दूसरा देखते हैं, रिंकल सीट शेप और ग्रीन कलर। तो सीट का शेप क्या है, रिंकल है, और कलर क्या है, ग्रीन है। अब इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया प्योर राउंड और प्योर येलो, और उसी तरह से प्योर रिंकल और प्योर ग्रीन, इनको पेरेंट मान लिया हमने और इनके साथ क्रॉस करा रहे हैं। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, राउंड और येलो होंगे। कैसे होंगे, राउंड और येलो। तो फीनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या होगा, 16:0 का आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं इनका, आपस में क्या करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। तो सेल्फ क्रॉस कराने पे देखिए इस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है, नीचे ये ब्लू और रेड में शो किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर मेल गैमेट को ले लेते हैं और इस जगह पे फीमेल गैमेट को दिखाते हैं और फिर क्रॉस करा ले रहे हैं। तो क्रॉस कराने पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस कॉम्बिनेशन में आपको पहला क्या दिख रहा है, राउंड और येलो, दूसरा भी राउंड और येलो है, तीसरा भी राउंड और येलो है, ये वाला भी राउंड और येलो है, इसके अलावा ये भी राउंड येलो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कुल मिला के राउंड येलो जो बन रहे हैं वो कितने हो जा रहे हैं, 9। राउंड और ग्रीन कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। चलिए देख लेते हैं राउंड और ग्रीन, एक तो ये होगा, दूसरा ये वाला भी राउंड और ग्रीन होगा, इसके अलावा ये नीचे तीसरा मिल रहा है हम लोग को, राउंड और ग्रीन मिल जा रहा है। देन क्या है, रिंकल और येलो, रिंकल और येलो देख लेते हैं, ये वाला हो गया रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो है, ये भी रिंकल येलो है, तो 3 ये भी मिल गए। इसके बाद रिंकल और ग्रीन, तो जाहिर सी बात है ये एक ही बनेगा, है ना। तो रेशियो कितना आ गया अपना, 9:2, 3:2, 3:1। तो ये डाईहेब्रिड क्रॉस हो गया। आप डाईहेब्रिड क्रॉस के बेस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल का थर्ड लॉ है, हालांकि एक्चुअली वो सेकेंड लॉ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस लॉ को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ठीक है, जो मेंडल का तीसरा लॉ माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो दूसरा लॉ है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में हम लोग डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन में, 23 पेयर्स। डिप्लॉयड कंडीशन में बात करें, डिप्लॉयड कंडीशन मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड का मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर्स। इनमें से हाफ हमको कहाँ से मिलते हैं, फादर से, और हाफ कहाँ से मिल रहे हैं, मदर से। मतलब 23 क्रोमोसोम फादर से मिलते हैं और 23 मदर से मिलते हैं। अब इन टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, या सोमैटिक क्रोमोसोम। ये अदर देन सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, और ये सिमिलर होंगे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। वही बचे हुए जो वन पेयर क्रोमोसोम्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। ये डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में, और यही डिटरमाइन करते हैं सेक्सुअल फीचर कि इंडिविजुअल जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब डॉटर होगा या सन होगी होगा, ये डिपेंड करता है। जैसे XX क्रोमोसोम पाया जाएगा फीमेल में, वहीं XY किस में पाया जाएगा, मेल में। अब इसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पे ये मदर का क्रोमोसोम शो किया जा रहा है और ये फादर यानी मेल का क्रोमोसोम शो किया जा रहा है। ये स्पर्म हो गए यानी मेल गैमेट हो गए, और ये ओवम हो गए यानी फीमेल गैमेट। क्रॉस करा लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 50% सन होने के चांसेस और 50% डॉटर होने के चांसेस। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म आकर फर्टिलाइज कर रहा है किस ओवम के साथ। इसको एक और डायग्राम से हम लोग समझ सकते, तो इस वाले फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में किस तरह से हो रहा है। तो ये मदर का कॉम्बिनेशन शो किया जा रहा है, ठीक है, इसे हम लोग मदर कॉम्बिनेशन में शो कर रहे हैं, XX क्रोमोसोम या फादर XY क्रोमोसोम। तो अगर वाई वाला स्पर्म, ठीक है, वाई वाला स्पर्म आकर फर्टिलाइज कर ले एक्स वाले ओवम के साथ, तो ऑफ स्प्रिंग क्या हो जा रहा है, मेल यानी सन हो जा रहा है। भाई मदर में तो XX कंडीशन है, तो जितने भी ओवम बनेंगे वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही होंगे,
लेकिन फादर में कंडीशन कौन सी है, एक्स वाई वाली, यानी मेल में कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई वाली होती है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि एक्स और वाई स्पर्म जो बन रहे हैं इनमें से कौन सा फर्टिलाइज करेगा। अगर एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर गया तो जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है, ना कि हम आने वाला बोलेंगे, आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो डॉटर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। वहीं अगर वाई वाला स्पर्म आकर फर्टिलाइज कर जाए एक्स वाले ओवम के साथ, तो वहाँ पर आने वाला जो इंडिविजुअल होगा वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, यानी मेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेल। तो डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 50% चांसेस हैं मेल के और 50% चांसेस हैं फीमेल होने के, ठीक है।